सोलन के धर्मपुर में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 13 होटलों के अवैध कब्जों को गिराने की कार्यवाही अमल में लाई गई। इस कार्यवाही में एनजीटी लोक निर्माण विभाग और टीसीपी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही अमल में लाई गई। कुछ होटल व्यवसायियों ने खुद ही होटल के अवैध हिस्सों को गिराना आरम्भ कर दिया था तो कुछ पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण को तुड़वाया। इस मौके पर कुछ होटल व्यवसायियों ने जमकर हंगामा किया और जिला प्रशासन की कार्यवाही को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में जिला प्रशासन ने सभी को शांत करवाते हुए कार्यवाही अमल में लाई गई। होटल व्यवसायी ने कहा कि उनके साथ जिला प्रशासन ने धक्का साहिक की है और उनकी सुनवाई न करते हुए उन पर कार्यवाही अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि कुछ रसूखदार लोगों के कहने पर उन पर ये कार्रवाई थोपी जा रही है, जिसकी वजह से आज सैकड़ों युवक बेरोजगार हो रहे हैं। वहीं एसडीएम सोलन आशुतोष गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के निर्देशानुसार ये कार्यवाही अमल में लाई जा रही है और अगर किसी होटल व्यवसायी को इस पर एतराज है तो वो माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ऑनरेबल एनजीटी से कुछ एक होटल्स के स्ट्रक्चर्स को लेके जो उनमें जितनी भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी उसको लेकर एनजीटी से ऑर्डर पास हुआ था। ये कुल जो हैं 13 स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर पास किया गया था और इन सारे के सारा सारे 13 स्ट्रक्चर्स पे जो है साइमल्टेनियसली कार्रवाई चल रही है। चार टीमें जो हैं सभी विभागों की मिलीजुली टीमें हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी से, आईपीएस से, इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पुलिसकर्मी हैं साथ में और टीसीपी विभाग के एक एक नोडल ऑफिसर हैं। चारों टीमें जो हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स पे साइमल्टेनियसली कार्रवाई कर रही हैं। अगर कोई लोग विरोध भी कर रहे हैं तो उन्हें यही बताया जा रहा है कि ये कोर्ट का जो है फाइनल ऑर्डर है, तो अगर उन्हें इस ऑर्डर को लेके कोई विरोध है या इसको लेके कोई इशू है तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं।